सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है एंड दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है SBI नेट बैंकिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर SBI की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं SBI लॉगिन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। अगर आपने अभी तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो आपको बना लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी डालना है, नीचे यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा देखने को मिल जाएगा, तो इस कैप्चे को इस बॉक्स में डालना है। सिंपल सा नीचे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी SBI बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो उसमें एक OTP जाएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड जाएगा, तो उसको यहाँ पे डाल लेना है। सिंपल सा यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो SBI बैंक का नेट बैंकिंग है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको ऊपर साइड देख सकते हैं थ्री लाइन देखने को मिल जाएगी, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं माई अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सा दोस्तों एक बार आपको अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग डेट सेलेक्ट करके अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जितने भी डेट से जितने डेट तक का स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाई मंथ का ऑप्शन मिल जाता है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे। या फिर दोस्तों अगर आप लोग 6 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, यानी कि अगर आप लोग 1 साल का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप लोग फाइनेंशियल ईयर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मुझे 1 साल का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आप लोग अपना स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप MS Excel फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सिंपल सा दोस्तों मेरा जो स्टेटमेंट है मुझे PDF फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देख सकते हैं गो का ऑप्शन मिल जाता है, तो गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो SBI बैंक का स्टेटमेंट है 1 साल का पूरा डाउनलोड हो चुका है। इसको चाहे तो आप लोग प्रिंट करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आपके फाइल में डाउनलोड हो जाता है PDF फॉर्मेट में। सो दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से अपना SBI बैंक का स्टेटमेंट बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।